नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है, यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए, हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत ऋषि आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच ना पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी सब भाव विभोर है। सब में आनंद है, सब में उत्साह है।
और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे, रामायण में क्यों गए थे बाहर, तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई द्विविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए, वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद, जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार सहस्त्र बार कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा, ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नरक रही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारत वर्ष की संताने हैं, कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या, ये बात बताइए, वो सामान्य नागरिक कैसे थे, निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था, ऐसे वो थे। और धर्मरत थे यानी क्या थे, इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य करुणा शुचिता तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है। तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते हैं, और इसलिए आपस में समन्वय रखकर